Now we are starting the fourth question, exercise 2.3, class 10. अभी हमारे पास चल रही है on dividing. ये एक question है जिसमें आपके पास gx आपको find out करना है. यहाँ पर पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपने कभी इस तरह से सोचा है, अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ठीक है, 9 कौन होगा? वो सर नंबर होगा. नंबर कौन है? नंबर है आपका 9. ठीक है, अच्छा 2 4 जा 8, 1 1 कौन है? 1 आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आपका 1. ये क्या है? क्वेश्चन है. तो आपके पास यहां पर क्वेश्चन है ये वाला, और वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. ये कौन है? डिवाइडर. तो आपको पहले ये सारे के सारे पहचानने हैं कि कौन कौन है. ये नंबर, इस नंबर को उसने यहां पर px या पूरा नंबर दे रखा है. डिवाइडर को उसने gx बोला हुआ है, gx से डिवाइड करा हुआ है, और यहां पे क्वेश्चन और डिवाइडर दे रखा है. अगर ये सवाल मैं आपको बोलूं तो मैं आपसे पूछूं कि नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर आएगा कि आप अगर ये जो क्वेश्चन के डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो, यानी क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइडर प्लस रिमाइंडर, तो आपके पास ये नंबर आ जाता है. यही फॉर्मूला हम आज इस सवाल में एप्लीकेबल करेंगे. तो चलिए हम चालू हो जाते हैं इसको सोल्व करने के लिए. तो हमारे पास है नंबर, नंबर कौन है? नंबर के प्लेस में सर मैं लिख लेता हूं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये नंबर है. रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है इसका माइनस 2x. ये तो क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है. माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4, ये रिमाइंडर है. ठीक है, और क्वेश्चन कितना है? x माइनस 2, ये मैंने यहां पर लिख लिया. और डिवाइडर कौन है? डिवाइडर है gx. तो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि नंबर का फॉर्मूला सर ये रहता है. तो नंबर आपके पास इस तरह से आएगा, यानी कि नंबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर आएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन आपके पास है x माइनस 2, और इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे डिवाइडर, डिवाइडर आपके पास है gx, और आप इसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपके पास है, कहां गया सर रिमाइंडर? ये रहा, माइनस 2x और प्लस 4. इन दोनों को आपने ट्रांसफॉर्मिंग करना है उस साइड. ठीक है, माइनस का 2x उधर से इधर आएगा, प्लस का 2x हो जाएगा. तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई जी एक्स. बात समझ रहे हैं? तो चलिए एक्स क्यूब माइनस 3x² 2x और x कितने हो गए? 3x, और 4 में से 2 गया, माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई जी एक्स. तो अब ये यहां पे मल्टीप्लाई के रिलेशन में, यहां पर अपोन में आ जाएगा, अपोन यानी कि डिवाइड में आपके पास आ जाएगा. काफी अच्छा सम है, कई बार आया है बोर्ड में, आप इसे आसानी से और अच्छे से समझिए. तो आपने करना क्या है, अब इसको डिवाइड करना है आपने x माइनस 2 से. तो मैं यहां पर इसको लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे पास जो होता है उससे मैं इसको डिवाइड करूंगा. तो देखिए मेरे पास ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और इसको मैंने डिवाइड करना है x माइनस 2 से. ठीक है, एक्स कितने हैं यहां पर? 3, यहां पर 1 है, 2 की कमी है. आप इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या आ गया? एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस के 2x² साइन को चेंज करिए, माइनस प्लस कैंसिल, और यहां पर आपके पास माइनस x² आ गया, क्योंकि प्लस का ये बड़ा है, बड़े वाले का साइन आता है, प्लस 3x और माइनस 2. अब आपके पास माइनस चाहिए, यहां माइनस नहीं है, माइनस लगाइए, और आपको एक्स 2 चाहिए, एक ही है तो एक एक्स भी लगाइए. अब माइनस एक्स की इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स ने इस दोनों से मल्टीप्लाई करी तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 2x. अब सर आप इसके साइन चेंज करिए, प्लस और ये माइनस कैंसिल, और 3 में से 2 गए, आपके पास एक्स माइनस 2. तो अब आप 1 रख लीजिए और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करिए दोनों की, सेम वही आएगा एक्स माइनस 2, साइन चेंज करिए, कैंसिल. तो आपके पास जो जी एक्स था वो रिक्वायर्ड जी एक्स आपके पास क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप समझाने का ये आसान सा दोस्ती वाला तरीका आपको अच्छा लगा होगा. अगर ऐसा कुछ है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भास्कर सर. आप इसे यूट्यूब चैनल में भी कभी भी सर्च करिए, सबसे ऊपर आपको यही अवेलेबल मिलेगा. थैंक यू, थैंक यू.